देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी ने 2022 और 2023 के लिए बजट पेश कर दिया है। बीएमसी ने इस साल 45,949 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 17% से ज्यादा है। चीन पाकिस्तान को लेकर अब संजय राउत ने किया मोदी सरकार पर हमला, कहा एक मजबूत ताकत हमारे खिलाफ बॉर्डर पर खड़ी है। मुंबई में इलेक्ट्रिक कार बाइकों को लेकर बड़ा फैसला, बीएमसी ने बजट में पीवीसीएस को दी मंजूरी। मुंबई पुणे हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, सड़क पर पलटा कंटेनर, ऑटो भी हुआ चकनाचूर। मुंबई पुणे हाईवे। अमिताभ बच्चन ने बेच दिया अपना पुराना घर सोपान, 23 करोड़ रुपए में हुई डील, नई दिल्ली। सुनील ग्रोवर आज हॉस्पिटल से होंगे डिस्चार्ज, हार्ट सर्जरी के लिए हुए थे एडमिट। मुंबई कॉमेडी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता सुनील ग्रोवर आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। महाराष्ट्र की इससे बड़ी खबर है, ईडी की पूछताछ में बोले परमबीर सिंह, कहा सचिन वाजे की बहाली के लिए सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य डाल रहे थे दबाव। अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से आपको बता दें, मुश्किल में ममता बनर्जी, मुंबई कोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान मामले में जारी किया समन। लैंड स्कैम केस, शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को ईडी ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के थाने में सामने आए कोरोना के 759 नए मामले, 5 और लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र मौसम समाचार आपको बता दें, महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई जगहों पर छाए बादल, ठंड को और बढ़ाएगी बारिश। महाराष्ट्र में कोरोना अपने उफान पर है, बीते 24 घंटे में 18,067 नए केस सामने आए, हुए ओमिक्रॉन के भी 113 मामले सामने आए। अगली बड़ी खबर एंटेलिया केस से जुड़ी, आपको बता दें किसी और ने नहीं परमबीर सिंह ने रची एंटेलिया बम केस की साजिश, अनिल देशमुख का खुलासा।